नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टबोली के बारे में। यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और यह किस अवस्था में, इसकी मात्रा कितनी है, किन किन फसलों पे डाला जाता है, किस अवस्था में डाला जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी मात्रा क्या है, इसका प्राइस क्या है, फसलों में स्प्रे के फ़ायदे क्या हैं, इसके छिड़काव के फ़ायदे क्या हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टबोली यह एक प्रकार का PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसान भाइयों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, यह सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का आता है और इसमें पाइक्लोब्लूटाजोल, जो कि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, इसमें पाइक्लोब्लूटाजोल 40% SC फॉर्म में आता है और इसका जो छिड़काव है किसान भाइयों, ये आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। वैसे तो सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, लेकिन ये जान लेना आवश्यक है कि किन किन फसलों में, किन अवस्थाओं में की जा सकती है और इसकी मात्रा क्या होती है। टबोली एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसका स्प्रे आप अपनी फसलों पर कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप एक फंगीसाइड के रूप में भी कर सकते हैं। यह एक हाईटेक रोके और फूल फल को बढ़ाए, अनचाही वृद्धि को, जैसे आपकी फसलों में अनचाही वृद्धि हो रही है, फसलें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, पौधे बढ़ रहे हैं और उनमें से जो फल फूल हैं उनकी संख्या बहुत कम हो रही है, तो ये उन स्थिति में, उस हालात में इसको पौधे को, ये पौधे की अनचाही वृद्धि को रोककर उसमें फूल फल आने की क्रिया को बढ़ाता है। और इसका स्प्रे जो फलदार फसल होती है, जैसे आम, अनार, अंगूर, कपास, सोयाबीन, प्याज, लहसुन या कद्दू वर्गीय जो भी सब्जियां होती हैं फलदार, उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आम है, अनार है, अंगूर है, कपास है, इसका प्रयोग आप कंद वर्गीय फसलों में भी कर सकते हैं, जैसे लहसुन है प्याज है अदरक है या आलू है, अन्य प्रकार के जो भी कंद वर्गीय फसलें होती हैं उन पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी फसलों की जो हाइट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें जो फूल फल आने की क्रिया है वो बहुत कम ही होती है, तो इस अवस्था में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं कि फसलों जब उनमें फूल आने की अवस्था होती है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो डोज होती है, जैसे आपका लौकी है, तरोई है, कद्दू है, करेला है या आदि इस प्रकार की जो लता वाली फसलें होती हैं, इसमें आप इसका प्रयोग 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं, टबोली फसल की अनचाही वृद्धि को रोकता है, फल फूलों की संख्या बढ़ाता है, फल फूलों का झड़ना कम करता है, उत्पादन बढ़ाता है, प्याज, आलू, लहसुन, मूंगफली के कंदों का विकास करता है आदि इस प्रकार के तमाम सारे इसके फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग जब आलू या प्याज में करते हैं तो उसका कंद का जो साइज है उसकी वृद्धि को बहुत तेज़ी से करता है और उसका साइज़ बढ़ जाता है। यह एक प्रकार का फंगीसाइड भी होता है, इसलिए ये फंगस का भी काम करता है, अर्थात फफूंद नाशक का भी काम करता है। पहले आपने देखा होगा कि टबोली का जो स्प्रे किया जाता था वह आम में फूल आने की अवस्था पर किया जाता था और साथ ही साथ इसको आम के पौधों के जड़ों में रिंग बनाकर यानी छल्ले बनाकर इसका प्रयोग भी किया जाता था, लेकिन अब अधिकतर ये फसलों में, जैसे कद्दू वर्गीय फसल हैं, लता वाली फसलें हैं या भिंडी है या कंद वर्गीय फसल हैं, इनमें इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे भी मिल रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टबोली यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और इसका प्रयोग आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। टबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी PGR के साथ साथ एक प्रकार का फंगीसाइड भी होता है, जैसे धान वगैरह में पाउडरी मिल्ड्यू
या ब्लाइट लग जाते हैं या रस्ट लग जाते हैं, तो इसमें भी इसका अच्छा प्रभाव होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है इन रोगों पर। तो इसकी जो मात्रा होती है, जैसे आप धान में इसका 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस होता है 300 से 350 के आसपास होता है। आप अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकता है। और इसका प्रयोग किसान भाइयों, जब आप के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हों और उनमें फूल फल की संख्या बहुत कम हो, तब आप कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्याज जो है, प्याज के जो कंद हैं, यदि कंद छोटे आते हैं तो आप इसका प्रयोग प्याज में कर सकते हैं। इसके कंद बहुत तेज़ी से ही बढ़ते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है 3 से 4 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 7 दिनों में अर्थात 1 हफ्ते में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। लहसुन में इसकी मात्रा 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल बनाकर इसको डाल सकते हैं। और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कद्दू वर्गीय, कंद वर्गीय फसलों में अधिक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पौधे जिनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और फूल फल बहुत कम आते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रिज़ल्ट जो है 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाता है। और टबोली जो यह है, एक प्रकार का PGR होने के साथ साथ ये एक प्रकार का फंगीसाइड भी है। और इसका रिज़ल्ट जो है आपको 4 से 5 दिनों में सभी फसलों पर देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे